to find the unit from the choices given below. Choose the equation whose graph is given in figure this. अब यहाँ पर देखिए first part है y is equal to x. First part है y is equal to x. Second part है x plus y is equal to 0. और थर्ड पार्ट में y is equal to 2x. और फोर्थ पार्ट में 2 plus 3y is equal to 7x. तो ये चार हमें ऑप्शंस दे रखे हैं और दे रखा है यहाँ पर और ये चारों ऑप्शन जो है ना ये भी दे रखे हैं. तो मैं ये बनाकर दिखा दूँ. इसमें
ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू थ्री कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो आपको इक्वेशन जो है ना, जैसे लीनियर इक्वेशन होती है, वो कैसे बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से इक्वेशन बनेगी। तो आपको कोई ना गिवन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, कोई दो लाइंस की इक्वेशन आपको बता दी है, तो कैसे करेंगे, और दो पॉलीनोमियल दे रखे हैं, और दो पॉलीनोमियल का एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप होती है
HCF और LCM है, HCF into LCM is equal to product of the two terms. वो जो दो terms है ना जिनका HCF और LCM लिया गया है, उन दोनों का product कर दो तो HCF into LCM के बराबर होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको HCF दे रखा है, आप उसका LCM निकालें, ठीक? देखिएगा HCF कितना दे रखा है, x माइनस थ्री, LCM is equal to product of the two terms. तो two terms ये क्या होगी, px multiplied by qx. तो LCM निकालना है, कैसे निकलेगा? हाँ जी, px क्या है, x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और qx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स कौन x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? तो ये जो प्रोडक्ट आया है यही LCM, तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज x की पावर फोर, x स्क्वायर इंटू माइनस फाइव एक्स इज माइनस फाइव एक्स क्यू, x स्क्वायर इंटू सिक्स इज सिक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यू, x इंटू माइनस फाइव एक्स इज माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, x इंटू सिक्स इज सिक्स एक्स, माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू इंटू माइनस फाइव एक्स इज टेन एक्स, माइनस टू इंटू सिक्स इज माइनस का ट्वेल्व, ये हो गया x की पावर फोर, पहले x की पावर फोर वाला टर्म लिखेंगे, फिर उससे छोटा टर्म x क्यूब वाला टर्म, माइनस फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब कितना, माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस फोर एक्स क्यूब, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म, तो सिक्स एक्स प्लस टेन एक्स सिक्सटीन एक्स, फिर कॉन्स्टेंट टर्म माइनस टर्म, ठीक है? तो ये इसका एलसीएम आ गया, समझ गए? कभी भी हमको कोई भी दो नंबर से, तो पॉलीनोम की एलसीएम, कभी भी कोई भी दो नंबर दे रखे हैं और उनका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए और एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है? इन्होंने तो उसको बड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू, और कौन सा बोल रहे थे? एचसीएफ किसका कैसे निकालते हैं, कोई भी दो नंबर्स का, कोई दो पॉलीनोमियल्स का, इसमें है कोई क्वेश्चन? फैक्टर्स करने हैं उसके, और फैक्टर्स करके देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बस अभी जैसे हाँ बोलो, स्क्वायर रूट वाला तो मुझे खुद नहीं पता कौन सा पूछ रहे हो, नंबर का तो स्क्वायर रूट जानता हूँ, पॉलीनोमियल का कैसे? अच्छा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो सीधा सीधा हो जाएगा, कोई क्वेश्चन है तो बताओ, करवाता हूँ अभी देखता हूँ। ये तो 34 दे रखा है, इतना बड़ा ये परफेक्ट स्क्वायर बनाकर हो जाएगा, एक फैक्टराइजेशन वाला भी मैंने बताया, देखते हैं, बढ़िया है ये क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, जिस किसी को ना समझ में आए ना बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट निकालने वाले ना लास्ट में दे रखे हैं कंसेप्ट में स्क्वायर रूट, ये तो आसान सा है, इसको छोड़ दो, ये वाला करवा दो, आगे के तीन क्वेश्चन 32 33 34 ये करा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर
स्क्वायर प्लस 12x वही प्लस 36y स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर रूट लेना हो तो आप कोशिश करो फैक्टराइज होता हो फैक्टराइज करो, परफेक्ट स्क्वायर बनता हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, कैसे बनेगा। मैंने आपको कहा था नाइन्थ लेवल में कोई बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें आपको जो दिखाएंगे जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर है उसको परफेक्ट स्क्वायर करो, ऐसे बनाओ एक्स का होल स्क्वायर प्लस बढ़ा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बस ऐसे करके। तो 36y स्क्वायर क्या हो गया, 6y का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपने आप बन गया, इसको अपने आप ही 2ab लिख दो देखो हो जाएगा 2x * 6y, आप देखिए x * y xy हो गया 2 * 6 इक्वल हो गया। तो आपने दो परफेक्ट स्क्वायर को लिया और जो तीसरा टर्म है मैंने इसको 36y स्क्वायर को पहले लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया जरा बताओ, x plus 6y का होल स्क्वायर, therefore अंडर रूट x plus 6y का होल स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो रिजल्ट इज x plus 6y हो गया। इधर रखा है वो मैंने अपने अपने आप ही ऐसी मर्जी से, क्योंकि इधर 6y का होल स्क्वायर दे रखा है ना, इसलिए 6y नहीं तो ये ऐसे हो गया ना, x प्लस 6y का होल स्क्वायर ही तो बन गया, ये पूरा एक्सपेंडेड टर्म था उसको हमने x का होल स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर को लिखा 6y का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर अपनी तरफ से ऐसे लिख दिया रिंग टू एक्स इंटू 6y और देखा तो ये 12xy बन गया, अरे और ये तो डी रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, सही है। अभी 32-33 करवाता हूँ, आज गर्दन बड़ी घूम रही है, कभी उधर कभी उधर। हाँ अभी करवा रहा हूँ, अभी राज दो मिनट रुक जाओ बस, क्वेश्चन देख के लाइव आओ। Find the square root of a square x square minus 2ay x square प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो पूरा का पूरा टर्म दे रखा है ना, इस पूरे टर्म का मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ay एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे उनको परफेक्ट स्क्वायर की तरह से लिखो, जैसे ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसको लिख सकता हूँ ए एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है ना ए एक्स का स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं ये वाला जो टर्म है इसको लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर, बोलो सही है। और ये वाला जो टर्म है मुझे लग रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो ऐसे लिख कर देख लो माइनस 2 इंटू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए एक्स क्या, अरे नहीं आएगा, वो दो तीन क्वेश्चन उसको करा रहा हूँ, वो ऐसे डर ही बैठे उसको डरने की जरूरत ही नहीं, आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये डबल डरा हुआ है, सर अब
नहीं नहीं, वो ये सोच रहा है कि अगर गलती से, अगर गलती से कहीं कुछ उनको भी दे दिया जाए ऐसे तो इनका क्या होगा? इंटरव्यू कौन सा इसके लिए? सिंकरो के लिए इंटरव्यू कब दिया? तो फिर क्या हुआ? बुला रहे तुम? आ गए तो ठीक है, पर एक दूसरे के आंसू पोंछना ठीक है? सही अच्छा तुमको छोड़ो, ये देखो इसको मैंने ए एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया ठीक है, और इसको मैंने एक्स एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, और फिर इधर माइनस का साइन है तो मैंने ऐसे लिखा, लिख कर देखा माइनस टू ए बी, और अगर आप चेक करेंगे तो ए और वाई तो एक बार आ रहा है, एक्स दो बार आ रहा है, तो हो गया ना माइनस टू ए वाई एक्स स्क्वायर हो गया ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए एक्स माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो गया ए एक्स माइनस एक्स वाई। अच्छा हाँ, और क्या, वही पॉलीनोमियल के वो जो आपके एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं बस वही यूज करके हो रहे हैं। बोलो भाई आशीष, सही है ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखोगे आपको अच्छा लगेगा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये गलत है, दिस इज कॉल्ड डिसऑनेस्टी, बेईमानी। वैसे भी पता चल जाता सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप से, यहाँ से तो किसी का हुआ नहीं, और जिनका होता है किसी का क्लियर नहीं हुआ, अरे वो बच्चे अलग होते हैं, और वो बच्चे ज़्यादा ना शोर शराबा नहीं मचाते उतने, वो अपना चुपचाप पढ़ाई में लगे रहते हैं। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि कई बच्चे ना अपना इलेवंथ ट्वेल्थ नाइन्थ टेंथ नाइन्थ से भी करने लगे हैं, काफ़ी बच्चे नाइन्थ से भी फिर चीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, फिर चीज़ आकाश वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, और वो बेचारे ना तो स्कूल के रहते हैं और ना ही वहाँ के रहते हैं, ये प्रॉब्लम है। इस बार ट्वेल्थ में आप ये देखिए कि मैंने मैंने शायद खुद पर टेंथ का रिजल्ट तो शेयर करा था आपके साथ, ट्वेल्थ का तो नहीं करा ना, ट्वेल्थ का इसी वजह से नहीं करा क्योंकि ट्वेल्थ का मेरा मैथ साइंस बहुत बड़ा था, बहुत सारे बच्चे थे मेरे साथ, और ट्वेल्थ में मैथ्स में भी काफ़ी बच्चे थे, फिजिक्स में भी थे, लेकिन हुआ क्या कि ज़्यादातर जो बच्चे थे वो थे डमी स्कूल वाले, डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट सुना है, बस एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपको स्कूल नहीं जाना, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा सिर्फ कोचिंग जाता है आईआईटी वगैरह की, आईआईटी की अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो नीट की कोचिंग लेता है, और फिर उसमें होता क्या है कि भाई वो वहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं, और जितने भी बच्चे थे ना तो किसी का मेंस निकला, मेंस और एडवांस दो लेवल होते हैं, ना तो किसी का मेंस निकला, और जो ट्वेल्थ ट्वेल्थ में रिजल्ट इतना बर्बाद आ गया, किसी के 61% आ रहे हैं, किसी के 62% आ रहे हैं, वो बच्चे फोन तक नहीं उठा रहे, अपने फ्रेंड्स का भी फोन नहीं उठा। तो मेरा तो ये मानना है कि लाइफ में ज़्यादा तेज भागने की ज़रूरत नहीं है, आदमी ना मुँह के बल ही गिरता है, आराम से चलो, स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, और स्मॉल स्टेप्स जो वो फर्म होने चाहिए स्टेप्स, ये नहीं कि आपने पहला कदम तो रख दिया और दूसरा कदम, और पहला कदम जो आपने रखा है वो तो मजबूती से रखा नहीं, दूसरा कदम पहले बढ़ा दिया, तो पता चला कि एक ये पहला वाला पैर भी हवा में, दूसरा वाला भी हवा में, पर गिरोगे ही, तो ये दिक्कत रहती है, तो आफत मचाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मार्केटिंग जो ये खरीदा चल रहा है ना, मार्केटिंग वाला ये ऐसा टाइम चल रहा है कि
कि अगर आप इसकी सच्चाई तक पहुंचोगे तो वही चीज़ पता चलेगी जो आपको पता चलेगी, कि कोई भी बच्चा कोई टीचर नहीं ऐसा, हाँ ये करते हैं इस तरीके की चीज़, ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि मतलब जो बच्चा है उस बच्चे तक को नहीं पता और उसका नाम यूज़ कर देता है, वो चीज़ जो है वो बड़ी गलत है। हाँ और कोई इश्यू कर देना अगर इस तरीके से तो कोचिंग वाले आगे पीछे घूमे नहीं, तो ये गलत तरीका होता है। हाँ वो यही है कि बस आप आ जाओ और ज्वाइन कर लो कैसे भी करके, और आपके सिलेक्शन की गारंटी हो या ना हो पर आपको डिप्रेशन में डालने की गारंटी जरूर होगी। और उसमें फिर ना उन बच्चों का अगर फीडबैक लें, मतलब पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ डबिंग स्कूल वाला कंसेप्ट थोड़ा फास्ट मोड में आ चुका है, तो अगर उन बच्चों का अगर फीडबैक लिया जाए ना तो बच्चे कहते हैं कि सर 11th और 12th का जो मतलब एक जो स्कूल लाइफ होती है ना, एक तो वो हमने मिस कर दी, ना हमारा कोई दोस्त है, ना हम मतलब 12th में बढ़िया परसेंटेज लेकर आ पाए कि हम डायरेक्ट एडमिशन के लिए किसी कॉलेज में जा पाए, और ना ही हमसे IIT निकला। अब तो ड्रॉप करके अगर हमने तैयारी करते तो भी शर्म आ रही है, क्योंकि हमसे जो जिन बच्चों ने सिर्फ 12th की तैयारी करी थी वो बच्चे हमारे साथ बैठेंगे, वो हमारी मजाक उड़ाएंगे, तो ये मतलब चक्कर रहता है। अब वो भागने के चक्कर में कि बस 12th के साथ ही निकालना है, 12th के साथ ही IIT निकालना है, तो क्या करोगे IIT निकालना है, निकल जाएगा ना, तसल्ली से कर लो ना, तसल्ली से करो, तसल्ली से करा हुआ काम अलग ही दिखाई देता है। चलिए जी आगे चलते हैं, 34 देखते हैं। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x² - 8x + 15। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x² - 8x + 15। ठीक है, इसका पूरे का मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिएगा स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। अब मेरे को जो है ये तीनों ही जो तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, ये तीनों के तीनों मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नज़र आ रहे हैं। तो अब आप ये देखिएगा इसकी उत्तर स्प्लिटिंग करेंगे तो -8 इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -8 के बराबर हो, मल्टीप्लिकेशन +15 के बराबर हो। क्या करेंगे, -5 और -3, x² - 5x - 3x और +15, x² - 5x - 3x + 15। सही है इतना, ठीक है। अब इधर देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, 2, और इधर कॉन्स्टेंट बन गया 5, तो 2 × 5 क्या हो गया 10, तो 2x² - 10x - 1x - 10 और -1 कितना हो जाएगा -11, और -10 × -1 क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10 के बराबर। ये इंटरनल स्प्लिटिंग तो सभी को क्लियर है, ठीक है मित्र। +5 अगला देखिए 2x² - 7x + 3, तो इसको क्या करेंगे 2x² और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा,
माइनस सेवन चाहिए, कैसे बनाएंगे, माइनस सिक्स एक्स माइनस वन एक्स, माइनस सिक्स माइनस वन हो जाएगा माइनस सेवन, और माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन क्या बन जाएगा, टू थ्री जो सिक्स बोलो जी बताइए जी यहाँ तक ठीक है। अब जरा देखिएगा इसमें पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स ले लिया, यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में एक्स माइनस फाइव, ये तीसरा और चौथा टर्म है इसमें से क्या कॉमन लेके एक्स माइनस फाइव बचे, माइनस थ्री, माइनस थ्री कॉमन ले लिया क्या बचेगा एक्स माइनस फाइव, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसमें पहले और दूसरे टर्म में से क्या कॉमन लें, क्या कॉमन आ सकता है, टू एक्स आ सकता है, टू एक्स के लिए कॉमन तो इधर बचा है एक्स माइनस वन, और इनमें से तीसरी और चौथी टर्म में से माइनस वन ले लो कॉमन, अपने आप एक्स माइनस वन बन जाएगा। यहाँ तक बताइए सही है, चलो आगे अभिराज यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके अभी तीसरा ब्रैकेट देखो जरा, इसमें पहली और दूसरी टर्म में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया इधर क्या बचेगा x माइनस थ्री, इनमें माइनस वन लेकर कॉमन तीसरी और चौथी टर्म में तो क्या बचेगा x माइनस थ्री, हो गया। अब इधर भी x माइनस फाइव है, इधर भी x माइनस फाइव है, ये पहला वाला टर्म है ये क्या बन जाएगा x माइनस फाइव टू एक्स माइनस थ्री, इस ब्रैकेट में एक्स माइनस फाइव इंटू टू एक्स माइनस वन, और जो तीसरा ब्रैकेट है इसमें एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स माइनस वन, अब एक्स माइनस फाइव देखिए दो बार आ रहे हैं, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स माइनस फाइव दो बार आ रहा है तो लिखेंगे एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री दो बार आ रहा है तो लिखेंगे एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, टू एक्स माइनस वन दो बार आ रहा है तो लिखेंगे टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, बोलिए यहाँ तक ठीक है, तीनों टर्म में स्क्वायर आ रहा है ठीक है, और तीनों का टोटल क्या हो रहा है स्क्वायर रूट हो रहा है, तो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया एक्स माइनस फाइव टू एक्स माइनस थ्री टू एक्स माइनस वन, सही है। बस कुल मिलाकर करना क्या है, या तो फैक्टराइज करना देखना पीछे, या तो फैक्टराइज करना है या होल स्क्वायर बनाना है और फिर अल्टीमेटली आप स्क्वायर रूट लेना, सही है ठीक है। चलिए जी अब इसमें एक दो क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन के वो भी करा देता हूँ, तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म ही है लीनियर इक्वेशन वाला। हाँ जी अच्छा देख रहा हूँ कि देख रहा हूँ अच्छा ये तो दो बार भेज रखा तुमने ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ एफ जेड, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड एफ
रिजल्ट के जीरोज निकालने हैं, तो मेरे को जिसका भी जीरो निकालना होता है मैं क्या करता हूँ, मैं उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देता हूँ, ठीक है, जिसका भी जीरो निकालना होता है उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देता हूँ। टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ एफ जेड Let us put to find out the zeros of fz. Let us put fz is equal to zero. fz को zero के बराबर रख दीजिए. fz को zero के बराबर रख दिया तो क्या आ जाएगा? z square minus 2z is equal to zero. ये तो fz है. इधर z दे दिया common. z into z minus 2 is equal to zero. अब ये दो terms का multiplication हो रहा है. तो either this z is equal to 0 or this z minus 2 is equal to 0. जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो उसका मतलब क्या है, उन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म 0 के बराबर है। भाई किसी भी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई करो तो वो 0 बन जाता है ना। तो या तो ये z 0 है तो 0 into anything 0, या फिर ये z minus 2 0 है, 0 into z 0, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक टर्म 0 के बराबर हो सकता है। तो हम ये कहेंगे अगर z is equal to 0 or z minus 2 is equal to 0. तो एक वैल्यू तो ये आ गई z is equal to 0 और z minus 2 is equal to 0 करते ही क्या आ गया, z is equal to 2. तो भाई z की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं और जो इसकी पावर होती है, मैक्सिमम पावर होती है ना, उतनी ही जीरोज आती है, मतलब उतने ही वैल्यूज आएंगे, उतने ही रूट्स आएंगे। तो z की दो वैल्यूज आ गई 0 और 2, यही इसके जीरोज हैं। बताइए क्लियर है? यस सर। ओके अभी देखिएगा, मैं एक इसमें ना एग्जाम्पल के लिए कराऊंगा था। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिएगा, पहले 15 देखो, एग्जाम्पल नंबर 15 है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस
41. Y इधर आ गया, y is equal to x minus 1 हो जाएगा ये, 2x plus y is equal to 8, तो y is equal to 8 minus 2x. x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस 1, एक डॉट इधर लगाया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3 है, 3 0. अब इन दोनों डॉट्स को ट्राई कर दिया ऐसे. x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8. अब इस इक्वेशन पर लिख दीजिए ये क्या इक्वेशन दी वाली x minus y is equal to 1. अब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8. x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8. एक डॉट यहां लगाया. x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0. x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0. x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, x एक्सिस पर ही लाई करता है y की वैल्यू अगर 0 है. ये इसको ये जो दो पॉइंट्स हैं दोनों को जॉइन कर दिया ऐसे. x plus y is equal to 8. अब एक लाइन तो ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, तीसरी लाइन है y एक्सिस, तो ये एरिया शेप कर दो. -10 ये 0 है.
माइनस वन है और नज़दीक की दौरान तो माइनस टू। ठीक है, तो अब इसका एरिया कैसे निकालना है? अगर सही जगह सही तरह से अगर ग्राफ पर बनाया जाएगा तो ये टू पर मैच करेगा। ठीक है, थोड़ी टू पर मैच करेगा और ये वाला पॉइंट मेरे को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी शायद थ्री ही निकलेगा, थ्री कॉमा टू, थ्री कॉमा टू है। तो यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक्स की वैल्यू थ्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो वैल्यू है ये तो हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया बेस। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है? एट से लेकर माइनस वन तक, एट से जीरो तक तो एट हो गया और माइनस वन यानी कि वन और है, वन सेंटीमीटर हो, एट से माइनस वन तक नाइन हो गया। और हाइट कितनी है? थ्री, 27 अपॉन 2, 13.5 स्क्वायर यूनिट्स, 13.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर है इसका। तो प्लॉट करने के साथ साथ होंगे? हाँ, प्लॉट करने के साथ साथ होंगे, वो भी था ना। ठीक है जी, इतना करिए, ऐसा एक या दो क्वेश्चन कोई और है वो करवा दूँ ना, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश है। Gracias.